हाय, नेहल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दही की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन दही गाढ़ा और मलाईदार कैसे बनाएं? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाएं और ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। यहाँ मैंने एक लीटर दूध लिया है, दूध आप कौन सा भी लीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। दूध को गर्म करते हैं। दूध उबलना चालू हुआ है, लेकिन इसे हम धीमी आंच पर 10-20% रिड्यूस करेंगे, यानी दूध को थोड़ा गाढ़ा करेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। अभी दूध अच्छी तरह से उबल गया है, अभी गैस की फ्लेम बंद करते हैं और दूध को ठंडा करेंगे। ध्यान रहे कि दूध को हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, दूध को हमें गुनगुना रखना है, यानी इसे हम हाथ से छू सके इतना। अब इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे और 5-6 घंटे तक ढक कर रखते हैं। दही रेडी हुआ है, देखिए ये आइसक्रीम ही लग रही है। कितनी गाढ़ी और मलाईदार दही बनी है। आप इस मेथड से दही जमाना जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।